अच्छा, ये भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, इनकी सुन लें पहले। हाँ अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम यहाँ मेट्रोपोल आए हुए हैं राशिद महमूद साहब का इंटरव्यू के लिए। वो उन्होंने पसंद ड्रामा क्या बोलूँ यार, भाई, हो गया शौक पूरा। अच्छा जी, बेसिकली हमारा यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था, हमने राशिद महमूद साहब का इंटरव्यू करना था। तो हम रास्ते में जा रहे थे तो मैं कहा यार वीडियो तो कोई आ नहीं रही, तो व्लॉग ही शूट कर लेते हैं। तो मैंने कैमरा निकाला, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तो अब हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं, उनके ऑफिस पहुंच चुके हैं। तो आइए फिर चलते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं। ये पता नहीं लौंडों के बड़े घर के मेरे लाखों रुपए लगे हुए हैं, सारे केयरिंग करते नहीं, आता हूँ तो फलानी जल्दी फलानी जल्दी। अपर्चर बढ़ा लेना उसका थोड़ा सा बेटे। हाँ फिर वो तो है। चल ये हो गया, अब मैं तेरे फ्रंटल भी आ गया ना। चलो बेटा बिस्मिल्लाह हो जाओ शुरू। ये देख नहीं रहे, ये मैंने धोती पहनी हुई, कुर्ता पहना, वो मेरा सारा कॉम्बिनेशन लटका हुआ। मैंने बेटा अनड्यू जो खामखा की एक फॉर्मेलिटीज होती वो अपनी ज़िंदगी में नहीं रखी हुई। जो प्रिविलेजेस मेरे रब ने बींग ए ह्यूमन बींग मुझे दे रखी, मैं इंजॉय करता हूँ। मेरा अब तो खैर गंडेरी मुझसे खाई नहीं जा, वरना मैं रेडी पे गंडेरी भी लेकर आता, तो मेरे दांत ही नहीं इजाज़त देते। तो मैंने ये इस तरह की जो खामखा की अपनी सराउंडिंग में 24 घंटे एक स्टाइल है मेरा, लेकिन वो मेरा स्टाइल तब होता है जब मेरा डायरेक्टर मुझे कहता है एक्शन। राशिद महमूद के स्टाइल की वहाँ ज़रूरत। अब आम जिंदगी में मेरी तो मैं इनसे बिल्कुल आज़ाद हूँ। तो सो टेक टू तो है नहीं बेटा, ज़िंदगी एक सिंगल शॉट है। आज जब ऊपर वाले ने ये कहा कट, तो ख़त्म। उसके बाद तो उसमें ना ज्वाइन, और फिर ये जो ज़िंदगी के ये एक सिंगल शॉट है, इसमें रिप्ले जब होना है ना, इसने दोबारा जो उसने कहा हुआ है, तो उसमें से ना कोई एडिट होना है, ना कोई साउंड अरेज होनी है, एज इट इज़ चलनी है। तो सो मैंने अपनी ज़िंदगी का ये जो शॉट है इसमें कोशिश की है कि मैं सारे ही मैटर मेरी क्यों नहीं सुनता है, मैं कुए गल दस फूल मैं दिया दर्द सदा